पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हमीरपुर द्वारा सार्वजनिक स्थल बस अड्डा हमीरपुर में सीएसआर गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंडल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक सुबोध काला, प्रमुख प्रबंधक आईएन धर सहित पंजाब नेशनल बैंक के अन्य स्टाफ तथा एचआरटीसी हमीरपुर के कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हमीरपुर द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत बस अड्डा हमीरपुर को 6 सीलिंग फैन अनुदान दिए गए। इस अवसर पर मंडल प्रमुख सुबोध काला ने कहा कि पीएनबी बैंकिंग सेवाओं के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए समय पर इस तरह की सेवा कार्य कर रहा है। इस मौके पर मौजूद एचआरटीसी कर्मचारियों ने इस तरह के सामाजिक कार्यों के आयोजन के लिए बैंक प्रबंधन का धन्यवाद किया और कहा कि गर्मियों के मौसम में इन सीलिंग फैनों से यात्री लाभान्वित होंगे। पंजाब नेशनल बैंक हमीरपुर मंडल अपने जो एक दायित्व है कि आज हम एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है और इंडिया के अंदर नंबर वन बैंक है, तो हमारी एक जिम्मेवारी बन जाती है कि ना केवल हम प्रदेश में लोगों को ऐसे अवसर प्रदान करें जिनसे मुद्रा का लोन या दूसरे लोन से वो अपना जीवन स्तर को इम्प्रूव कर सके, उसके साथ साथ हम ये भी एक प्रयास करते रहते हैं कि हम सोशल, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके तहत हम सोशल सर्कल के अंदर भी पंजाब नेशनल बैंक बहुत एक्टिव है। हमने पिछले महीने ही हिमाचल प्रदेश जो रोड ट्रांसपोर्ट का जो ऑफिस है यहाँ पर हमने एक स्वच्छता अभियान चलाया था, तब इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि जो गर्मियों का सीजन आ रहा है तो इसके अंदर यहाँ पर प्रोवाइड किया जाए कि उनको थोड़े से पंखों की आवश्यकता होती है, तो हमने फिर उसी बात को मानते हुए आज उनको 6 पंखे दिए जो इन्होंने बस स्टैंड की जो लॉबी है वहां पर इंस्टॉल करने हैं, वो आज इनको दे दिए हैं और उन्होंने आज एक कार्यक्रम शुरू कर दिया कि वो कल या परसों तक इंस्टॉल करके सो दैट गर्मियों के अंदर यहाँ जो इतने लोग यहाँ पर विजिट करेंगे जिनको किसी को भी कोई असुविधा का सामना न करना पड़े।